सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आओ तो कीमत घट जाती है और ना बिकने का इरादा करो तो कीमत बढ़ जाती है। जी हाँ, नीट एस्पिरेंट 2024 वाले बच्चे, आपके लिए ये छोटा सा मैंने कोटेशन मैंने बताया कि अगर आप बिकने के लिए अगर आप तैयार हो तो आपकी कीमत घट जाएगी, अगर आप की बिकने के लिए नहीं तैयार होगे तो आपकी कीमतें बढ़ जाती है। ये समाज और बाजार का नियम है। जी हाँ, उसी प्रकार नीट 2024 वाले बच्चे, आपका जो है प्रिपरेशन करने के लिए आप जब तैयारी करोगे तो आपके पास, जानते हो, मात्र 7 मंथ है। आप बोलेगा साल लाखों वीडियो बन गई है, तो मैं इस वीडियो में क्या बताऊं। सो गाइज, आपको मैं वो बता रहा हूं जो आज तक पूरे यूट्यूब में कोई ने नहीं बताया होगा। अगर आप पूरी तरह से अगर आप वीडियो देखते हो, 4-5 मिनट का वीडियो है, जहां आपको खुद पता चलेगा किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हम क्लिक करें। और मैं बोल देना चाहता हूं पहले उन छात्रों को जो अपने नीट 2024 के लिए सिर्फ टाइम पास समझ रहे हैं, चाहते हैं कि सिर्फ वो टाइम पास करें और किसी तरह का प्रिपरेशन करना नहीं चाहते हैं और क्वालिफाई नहीं होना चाहते हैं, वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो अपने प्रिपरेशन को लेकर दिन और रात एक कर रहे हैं, उनके लिए ये छोटा सा वीडियो आपको जान देगा। सो वीडियो पूरी देखकर जाइए और किस प्रकार से हम स्टडी करेंगे वो सारे हम टारगेट को, यहाँ छोटी छोटी टारगेट, बड़े टारगेट है, क्योंकि देखो 7th मंथ, ये 7th मंथ जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर ये 7th मंथ अगर आपने सही से यूज कर लिया ना, तो आने वाले 70 साल जो होगा ना, वो आपके जीवन को बहुत ही सुखमय बनाएगा। लेकिन ये 7 महीना जो है बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। बच्चों, पहली बात आप देखो कि अगर 7 मंथ को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 7 मंथ को कैसे हम ब्रेक करें, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके, और आप प्रिपरेशन करोगे ना तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आप प्रिपरेशन जब करने बैठते हो, आज बहुत जोश से हर वीडियो को देखकर आप बैठते हो कि आज से मैं पढ़ाई करूंगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हो, फिर डिमोटिवेट होते हैं, फिर पढ़ाई अपना आप छोड़ देते हो। और एक बात होता है, किसी भी काम करने में अगर आप तैयार करोगे, अगर आप काम करोगे तो बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी रुकावट आएगी। आप अभी जाड़े का सीजन आ रहा है, आप कंबल ओढ़ कर सोना आपको बेहद पसंद आएगा, वहां आपको कामयाबी आपको रोकेगा। अभी त्योहार बहुत से आ रहे हैं, दुर्गा पूजा है, छठ है, होली है, बहुत ऐसे त्योहार अभी गुजरेंगे जहां आपको एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा, दोस्तों के साथ मस्ती करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन आपको यह पता है यही आपको रोक रहा है। तो जो चीज आपको आने वाले से रोक रहा है, आपको कामयाबी से रोक रहा है, 70 साल के बेहतर के लिए रोक रहा है, तो सो गाइस रुको, ब्रेक लगाओ। उसी प्रकार आपका एनसीईआरटी बुक रोज खोलते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, लेकिन क्या आप ईमानदारी से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा है? लोगों ने ये बताया कि नहीं, ये बुक पढ़ लो, ये बहुत अच्छा मार्केट में आया, आपने तुरंत ट्रैक को चेंज कर लिया। लेकिन मैंने कई वीडियो आपको दिया है और मैंने लाइन बाय लाइन बताया है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं, और आपका सिलेक्शन जो है वो एक क्वेश्चन पर भी होता है। आपको पता है कि एक क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया तो आप अदर स्टूडेंट से बाहर हो जाओगे। तो चलो मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार छोटे छोटे टारगेट में आप डिवाइड कर सकते हो। हमारे पास टोटल कितने मंथ है? 7th मंथ है। इन 7th मंथ को अगर आप अगर डिवाइड करोगे, अगर मंथ के हिसाब से, और देखो पहली बात तो मैं बता दूं कि टोटल चैप्टर कितना है, 96 है। मंथ कितना हो गया भाई? तो ये मंथ हो गया मेरा 7th मंथ। 7th मंथ का मतलब हो गया, आप अक्टूबर से अगर गिनती करो, मैं कहां गिना रहा हूं, अक्टूबर से अगर गिना करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च ही तक लो, अप्रैल में भी छोड़ दे रहे हम, तो कुल मिला के आपको 6 मंथ आएंगे। और 6 मंथ को अगर हफ्ता में डिवाइड करोगे, यानी वीक में डिवाइड करोगे, तो आपके पास 24 वीक बचे हैं। और ये 24 वीक में आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होंगे, आपका स्क्वायर भी 700+ मार्क्स होगा। अब इसको किस प्रकार से पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास टोटल चैप्टर कितना पढ़ा है, 96 चैप्टर पढ़ना है, 96 चैप्टर पढ़ना है। और अगर हम इसको एक वीक में अगर हम डिवाइड करें
तो हमें चार चैप्टर करके अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो चार को 24 से गुना करोगे तो 96 जो है वो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। कितना छोटा ब्रेक हो गया, अभी देखने में लग रहा था 96 एक बहुत बड़ा फिगर था, 96 उसको हमने ब्रेक किया कितने में, वीक में जब ब्रेक किया तो चार चैप्टर ही है, यानी सप्ताह में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर चार ही पढ़ना है। अब जैसे सपोज एग्जाम्पल समझ लो कि मैंने शुरू किया फर्स्ट वीक में मैंने शुरू किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मान लो फिजिक्स पढ़ा फर्स्ट वीक में दो, केमिस्ट्री एक, बायो एक, फिर केमिस्ट्री में दूसरा वीक में अगर आप लोगे, सेकंड वीक में आप इसको ब्रेक करोगे तो मान लो कि इसको आप फिजिक्स एक चैप्टर पढ़े हो, चलो केमिस्ट्री दो चैप्टर पढ़ेंगे, बायो एक चैप्टर पढ़ेंगे, तभी देखो कितना आसानी से एक हफ्ता में चार चैप्टर पढ़ना है, जो पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसी तरह से आप रेगुलर कंटिन्यूटी बनाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ बता दूं कि सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने से, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, सोचे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट ज्वाइन करूंगा, तो नहीं, यहाँ पर ये गलती है। आप अपने को विश्लेषण करें, जैसे फर्स्ट वीक में आपने दो चैप्टर फिजिक्स पढ़ा है, एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ा और एक चैप्टर बायो पढ़ा है, तो उसका जो जैसे मान लो मंडे टू संडे तक पढ़ लिए, अब संडे को क्या करो, किसी भी वक्त दो घंटे का आप समय लगा दो, किस चीज के लिए लगाते, टेस्ट के लिए लगाते, और ये चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वो चैप्टर का आप एमसीक्यू का बहुत अच्छा से क्वेश्चन को देखो और एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट करो, देखो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये छोटा सा मैंने, मैं काफी कम समय बचा है इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि लंबा लंबा वीडियो देकर आपका टाइम वेस्ट करूं, बस इतना चाहता हूं कि आप जो है बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में हफ्ता में महीना में सॉरी हफ्ता में दिन में घंटे में बांट दो, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उसको चाहोगे कि एक दिन में तोड़ ले तो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में छोटे छोटे टाइम में उसे डिवाइड करो, देखो वो टूट जाता है। इसीलिए कहा गया है देखो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे, आप नीट 2024 को क्रैक कर सकते हैं और आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े में आप डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको आसान हो सके। गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, देखो फिर ऐसा ना हो कि आप अपने साथी को वीडियो शेयर ना करो और वो रुक जाए, या फिर आप तक शेयर कोई हो सकता है कि आप शेयर करोगे तो आप किसी और का वीडियो आपको शेयर हो जाएगा तो आपको फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को याद रखो। आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, सारी छोटी छोटी अपडेट भी आपको नीट से संबंधित मिलेगा। गाइस वीडियो लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।